महामेट्रो रेल राज्य सरकार, केंद्र सरकार व स्थानीय स्वराज्य संस्थानों के मालिकाना हक वाली एक परियोजना है। यह परियोजना लगभग 8,680 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही है। यही नहीं, इस परियोजना में 2500 करोड़ की अनियमितता देखी गई है, जिससे लेकर जय जवान जय किसान संगठन की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान प्रशांत पवार इनके द्वारा दी गयी। महामेट्रो यह परियोजना एक सरकारी परियोजना है। करीबन 8,680 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी की जानी है, लेकिन इस परियोजना के जरिए स्थानीय लोगों से करीबन 22,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाएगा, जो अतिरिक्त है। यही नहीं, इस परियोजना में 2500 करोड़ की अनियमितता भी देखी गई है और 40% कार्य अभी बाकी है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ऐसी मांग जय जवान जय किसान संगठन इनके द्वारा की गई है। यही नहीं, मेट्रो के संचालक अधिकारियों को वेतन भत्ता के साथ ही मेडिकल बिल दिए जाते हैं, जिसका उपयोग कर इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों के मेडिकल बिल लिए गए हैं, जिस कारण मेट्रो के कार्य 2019 में पूरा होना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये मेडिकल बिल्स का घोटाला हम लोगों ने निकाला है, जय जवान जय किसान ने। इसके पहले हमने इनका घोटाला निकाला था 2017-18 में, 18-19 में, और तब इनके ब्रिजेश दीक्षित, इनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उसमें 150,20,000 खर्चा आया। महेश कुमार, इनकी भी तबीयत खराब थी, तो 9,66,000 आया। सुनील माथुर, इनकी भी तबीयत खराब थी, तो इनका 21,65,000 आया। और श्री शिवा मातन, इनका 12,20,000। 2018-19 में इनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उसमें 64 लाख रुपए ब्रिजेश दीक्षित इनका आया। महेश कुमार का 11.78 लाख आया, सुनील माथुर 21.78 लाख आया, और शिवा माथन का 19.17 लाख रुपया। साथ ही जय जवान जय किसान संगठन द्वारा मांग की गई है कि 60 साल से अधिक उम्र वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निवृत्त किया जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।